टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी वाला। तो आज हम लोग आए हैं गोरखपुर के घंटा घर में। दुकान पर आलू दम है। आलू दम, हाँ, मीठी पकौड़ी है, मीठी पकौड़ी। ये जो इमरती बन रही है धोई की है, चाशनी में डूबे हुए समोसे देख लो। ओहो, चाशनियाँ देखो। अब ये आता है आपका दो इडली 30 रुपए की जो है, 30 रुपए प्लेट, घंटा करके ही रेट। और अब सांभर ट्राई करते हैं। सांभर काफ़ी हेल्दी है, एक बार ट्राई करना। मसाले क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, मतलब टेस्टी है। मतलब ये इडली, अब आते ही खाते हैं। तो इडली को तोड़ते हैं, स्पंजी है, और डिप करते हैं। 30 रुपये ठीक है। अब ये हम खाए हैं जम्मू में, वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए ऐसी इडली मिली थी, सेम टेस्ट है सांभर का। और अब आते हैं हम लोग डोसे पे। तो डोसा की फीलिंग दिखाएं आप, पहले स्टार्टिंग में देख रहे होंगे, तो फीलिंग अभी देख लो। ये तो पूरी फीलिंग है आपकी, ये पूरी आपकी फीलिंग है डोसे की। तो देख के भी आप बता सकते, हेल्दी है ये भी, तो इसको भी हाथ से ट्राई करेंगे। हेल्दी हेल्दी तो दिख ही रही है पूरी। गुड, पूरा मतलब सैलेड है आपका और आलू, दो चीज़ का मिक्सचर। मतलब इधर हम गोरखपुर के साइड ज़्यादा देख रहे हैं कि प्याज और टमाटर का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, लखनऊ साइड का नहीं था, एक दो जगह हमने खाया नहीं था, बाकी जगह पता नहीं, पर ये सही है। बस ट्राई कर सकते हो 50 रुपए की। हमें इडली में इंटरेस्ट है जो तो बहुत सस्ती है, डोसे में भी है, डोसे भी 50 रुपए के मिल रहे हैं आपको इस जगह, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो लोग फटाफट ख़त्म करते हैं डोसा और इडली और चलते हैं दूसरी जगह, देखने क्या मिल रहा है, खा लेते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं, ये पान वाली गली कहा जाता है। अब पान वाली गली में पान खाने आए नहीं हैं। यहाँ पे एक है गोपी मटन चिकन की शॉप, जो कि काफ़ी टेस्टी देते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं और खाते हैं, बाकी भीड़ देख लो। ये सारा ईद का भीड़ है और वैसे भी घंटा घर में रहता है। तो ये पान वाली गली, अब अंदर आइए, पान वाली गली दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं गोपी मीट मटन हाउस। तो ये है आपका पान दरीबा में, घंटाघर में, एक जो घंटाघर की लेन है उस पर नॉनवेज की शॉप है। तो अभी तो हम लोग टाइम लेट कर दिए हैं, बजे 4, और अभी क्या बन रहा है, चिकन। तो आइए ज़रा चिकन दिखाते हैं। और यहाँ चिकन की रेट है 200 रुपये में 4 पीस,
तो बाकी तो चिकन देख ले, पीसेस अच्छे हैं 200 के हिसाब से, हमको लग रहा है कि पीसेस बड़े देंगे, छोटे छोटे लोग देंगे नहीं। ये फुल आपका लेग है, ठीक। और बेसिकली ये चिकन और मटन के लिए काफ़ी फेमस है इनकी शॉप। और चिकन का रेट है 300 रुपये में, चिकन 200, चिकन 200 में चार पीस और मटन 300 में चार पीस। तवा रोटी 5 रुपये की है और शॉप 10 साल पुरानी है। और बेसिकली हम लोग जब आए ना स्टार्टिंग में, अभी टेस्ट नहीं किया गया, पर जो स्मेल थी, जो महक है, उससे लग रहा हाँ घरेलू, मतलब घर के तरीके का चिकन मिलने वाला है। तो बाकी हम लोग अब चलते हैं, ट्राई करते हैं मटन और चिकन, आपको दिखाते हैं क्या टेस्ट है, कैसे मसाले हैं और क्या रिव्यू होगा हम लोग का। आइए चले दिखाते हैं। एंड तो ये हम लोग के सामने आ चुका है, क्या है सर जी? भाई आज तो मटन है। अब ये मटन है और ये है रोटी, और बेसिकली तवा रोटी है। तो ये प्लेट हम बता दें, ये 75 प्लस 5-5 की दो रोटी 10, मगर 85 में आपको ये देसी अपना साइज़ में। हाँ भाई रोटी बड़ी है, छोटी रोटी थी। तो जब टेस्ट किया जाए, अब जो रहा नहीं जा रहा था तब से आपको ये बोले वीडियो स्टार्ट उठाने का मौका मिले। तो ये आपकी ग्रेवी जो कि काफ़ी गाढ़ी है, प्याज आपका साबुत पता चल रहा है, और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बाकी ट्राई करते हैं भाई, टेस्ट तो लाजवाब, ये बोले तो लजीज लजीज। अच्छा हमने जो अदालत का ट्राई किया है लगभग वैसे ही है, नहीं टक्कर नहीं सकता है। हाँ तो अदालत जो हम लोगों ने किया है कवर उन्हीं के तरीके से, पर इसमें या तो ये आखिरी में हम लोग खा रहे हैं तो ये मसाले इतना लजीज आ रहे हैं पूरे जबान पे आपके। ये जो है वो हांडी है, ये चूल्हे पे है, ये गैस पे है, बहुत सेम ही है क्यों? हाँ कह सकते हैं। ये प्याज है, ये आपका लहसुन है, ये आपकी लाल मिर्च साबुत आपको दिख जाएगी, मतलब मसाले पैकेट के नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया है। आपके मीट को कहते हैं क्या भैया, हांडी मीट की नॉर्मल मीट कहते हैं? दो प्याजा मीट है, दो प्याजा मीट का आप आनंद ले सकते हैं। 300 रुपये में चार पीस मटन और चिकन, 200 रुपये में चार पीस। अब वेट नहीं हो रहा, अब जल्दी खा के हम ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे आखिरी में रिव्यू देते हुए। बाय, खाते हैं। तो जी मटन खा के हो गया ख़त्म। अगर हम दिख रहे होंगे तो बता दे रहे हैं, मटन अच्छा था और काफ़ी भीड़ है क्योंकि घंटा घर में अब ईद का माहौल आ चुका है और भीड़ तो काफ़ी है, अब इसमें गायब भी हो जाएंगे अभी हम। तो मटन अच्छा था पर हल्का सा कॉस्टली है, आप कहें तो 75 के 60 रुपीज़ में मिलते हैं। हो सके ऐसे लोकेशन पे है तब 75 का मटन ये लोग दे रहे हैं और 50 का चिकन। तो ठीक है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाकी तो हमको पीस देने वाले लोग। तो ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कहीं ऐसे ही ब्लॉग करते आपको मिल जाएंगे। तब तक इंस्टाग्राम पे UPR_ एक पेज है, वो जाके फॉलो कर लो, बता रहे फॉलो करो, माता रानी पाप। तो चलते हैं यहाँ से और ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर कोई और शॉप्स हो आपको, अगर लगता है पुराने हैं और वो अभी तक कवर नहीं हो रहे हैं, तो आप एकदम कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर UPR_ पे DM करें, तो हम उस पर काम करेंगे। नमस्ते। तो फिर चलते हैं, तो फिर हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पर भीड़ बहुत हो रही है, तो चलते हैं, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। भीड़ काफ़ी हो चुकी है और हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और घंटा करके यही खाने की चीज़ें थी जो हम लोग को दिखी, बाकी अगर आपको कुछ पता है तो आप बताएं और उसको कमेंट सेक्शन में वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कवर करेंगे। काफ़ी चीज़ें जो चीज़ें एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि जो चीज़ें इतने सालों से चली आ रही हो वहाँ से कवर नहीं हुई, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को जानने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस शॉप पर जाएँ, क्योंकि वो लोग 60 years to 100 years बहुत मेहनत की है और अभी तक फेम में नहीं आया, अब उनको आना है। तो UPR लेकर सोच यही है और इसी में हम लोग वर्क करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कमेंट में बताएं, काफ़ी लंबा हो गया इंट्रो, चलते हैं, काफ़ी भीड़ हो चुकी है, तब की भीड़ का मजा ले। बाय। सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना, 10,000 पे जाना है, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं, बाय। With the